वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से सी डैश डी डैश ए बी कोस थीटा, और इसके लिए ज्योमेट्री भी पता होनी चाहिए फिर अगर ये लिख रहे हो तो, ठीक है ना। मतलब ए बी क्या है, सी डैश डी डैश क्या और थीटा क्या है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से सी डी लाइन है कोई दूसरी, ए बी लाइन कुछ इस तरीके से, तो ए बी की प्रोजेक्शन है कुछ इस तरीके से। यहां पर परपेंडिकुलर था और जो ए सी एन पार्ट है यहां पर है सी डैश डी डैश कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहां पर ये भी तो पता होना चाहिए ना इस फॉर्मूले में ये सी डैश डी डैश क्या, ये तो है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ए बी क्या थी, ए बी थी लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, जो लाइन सेगमेंट लेके चले थे। और थीटा था, थीटा था एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल, जो लाइन सेगमेंट लेके चले, मतलब ए बी एंड जो रेफरेंस था क्या था सी डी, इस तरीके से, ठीक है। तो अब जैसे हम केस की बात कर रही थी, ठीक है ना, और जैसे हमने मैक्सिमम प्रोजेक्शन की बात की थी, मैक्सिमम प्रोजेक्शन कितनी होगी, मैक्सिमम प्रोजेक्शन जैसे सी डैश डी डैश की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जब कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो, और कोस थीटा का रिजल्ट कुछ इस तरीके से होता है, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू, ठीक है ना, बिलोंग्स टू इस तरीके से। तो कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस की वन, ठीक है। तो यहां पर प्लस वन रख दो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो इस तरीके से प्लस ए बी हो जाएगी, ठीक है। और ये प्लस ए बी के दो केस है, प्लस ए बी के दो केस है, कौन कौन से, एक तो थीटा कितना हो जीरो डिग्री और एक हो 180 डिग्री, ठीक है ना। और एक और बात, जैसे अगर कोस थीटा की बात करो कि जो प्लस वन है, अब प्लस वन है सीधी सी बात है, या फिर माइनस वन की भी बात कर लो यहीं पर, क्यों, क्योंकि सी डैश डी डैश माइनस ए बी अपने आप प्लस ए बी में नहीं बदल गया था, क्यों, क्योंकि यहां पर लेंथ की बात हो रही है, प्रोजेक्शन एक लेंथ होती है, इस वजह से, मतलब थीटा यहां पर 180 डिग्री था, सही बात है ना, ठीक है। और कोस 180 का रिजल्ट आता माइनस वन, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहां पर सिर्फ एक लाइन की बात हो रही है और एक लाइन पर मैक्सिमम एंगल होता है 360 डिग्री, तो मतलब सिर्फ 360 तक ही बात होगी, ठीक है ना, 360 तक ही बात होगी, या फिर सिर्फ 180 डिग्री तक ही बात होगी, ये चीज है काम की, क्यों, इसके लिए समझने का तरीका जो रेफरेंस लेके चले थे हम, जो रेफरेंस लेके चले थे, मतलब अर्थ का सरफेस मान लो, और क्या कर सकते हो, अर्थ के सरफेस पर खड़े हैं हम, इस तरीके सोच लो, और सिर्फ ऊपर देख सकते हैं एक टाइम पर, तो हम सिर्फ ऊपर ही देख सकते हैं, इस तरीके से इस एग्जांपल को समझा जा सकता है, मतलब 180 डिग्री तक के ही एंगलों की बात होगी, कहने का ये मतलब है। वैसे तो कोस थीटा जो ये रिजल्ट है इनफाइनाइट एंगल थे, सही बात है ना, कि वो कौन सा एंगल है जिस पर रिजल्ट माइनस वन हो, ठीक है ना, हमने ग्राफ से पता किया था कि वो इनफाइनाइट एंगल है, सेम बात प्लस वन के लिए, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ 180 डिग्री तक बात होगी, और इस चीज को समझने का तरीका हम इस रेफरेंस पर खड़े हैं और सिर्फ ऊपर देख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके सोच सकते हो, ठीक है। तो अब जो मैक्सिमम प्रोजेक्शन वो ए बी के बराबर होगी, अब इसको समझना है, ये तो है मैथमेटिकली, सही बात है ना, कि फॉर्मूले से इतना रिजल्ट आया, अगर डेली लाइफ की बात करें तो इसी चीज को समझना हो तो, कि मैक्सिमम प्रोजेक्शन इतनी कैसे होती है, कि किस तरीके से समझा जा सकता है इस केस को, ठीक है ना। अब जैसे पहली बात तो यहां पर मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा, मतलब पैरेलल 0 डिग्री और 180 डिग्री का, तो ये मतलब था ना पैरेलल किस तरीके से, जैसे यहां पर सी से डी मान ली कोई लाइन और ए बी यहां पर मान लिया और पैरेलल है एक दूसरे के, वो डायरेक्शन अपोजिट हो या फिर ना हो, ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन की बात हो रही है, मतलब लेंथ का मतलब ही सीधी सी बात है, ये जो एक बात होता हो ए बी वेक्टर, अगर ए से बी जाओ वेक्टर की बात कर लो, और माइनस ए बी बी ए वेक्टर के बराबर होता है, सही बात है ना, और ये माइनस साइन होता है क्यों है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। और ए बी वेक्टर को किस तरीके से पढ़ते थे हम, ए से चले बी तक पहुंचे, ए से चले बी तक पहुंचे, और एक बी से ए आना, बी से चले ए तक पहुंचे, यहां से चले यहां तक पहुंचे, सही बात है। तो माइनस साइन क्यों आता, डायरेक्शन की वजह से, सही बात है, लेकिन यहां पर वो माइनस साइन भी इंक्लूड नहीं हो रहा लेंथ की वजह से, सही बात है ना। तो इस वजह से यहां पर डायरेक्शन का भी कोई रोल नहीं है लेंथ के केस में, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन के केस में डायरेक्शन का तो फिर कोई रोल ही नहीं हुआ, सही बात है ना। तो इस बात का मतलब जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है या तो जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी, डायरेक्ट ही कह सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब इस केस को समझना डेली लाइफ में, कि जब थीटा 0 डिग्री 180 डिग्री मतलब पैरेलल हो कुछ इस तरीके से, तो मैक्सिमम प्रोजेक्शन बनेगी, सही बात है ना, मैक्सिमम प्रोजेक्शन होगी। और एक और बात है यहीं पर,
यहां पर भी दो केस होंगे, इसके भी दो सब केस हैं, पता है कौन कौन से? एक तो वही टच वाला और एक है नोट इन टच। इस बात का मतलब पता है क्या है? जैसे ये दोनों एक दूसरे के यहां पर पैरेलल है, ठीक है ना। सन ऑफ लाइट कहीं पर भी हो सीधी, मतलब मान लो यहां पर हो सकती है, जो भी सोर्स ऑफ लाइट है यहां पर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो इसकी मैक्सिमम बनेगी बस यहां पर ये बीच के पैरेलल हो जाए, सोर्स ऑफ लाइट पर ये बात डिपेंड नहीं करेगी। अब मान लो कि सोर्स ऑफ लाइट से यहां से लाइट आ रही हो, तो जो ए बी पार्ट है वो पता है क्या हो जाएगा? हाँ, बस इतना हो जाएगा कि जो ए बी है, अगर यहां से लाइट आएगी, मतलब यहां पर इस तरीके से सेम लाइन से, तो यहीं पर मतलब मैक्सिमम प्रोजेक्शन हो जाएगी। जब यहां पर होगा क्या हो जाएगा? जो ये पार्ट है थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाएगा, इतना वो डिपेंड करेगा, मतलब कितने एंगल से आ रही है, ठीक है ना। मतलब प्रोजेक्शन तो फिर भी मैक्सिमम ही रहेगी, ठीक है ना। तो अब यहां पर दो केस, टच और नॉट इन टच, इसका मतलब पता है क्या? जैसे इसको समझने का आसान तरीका क्या है? सर्फ अर्थ के सरफेस पर एक इस तरीके से, ठीक है ना, एक इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट टच में रख लो, बिल्कुल टच में रख लो किसी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को, स्ट्रेट लाइन का ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल पेन हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन, जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है वो जीरो हो जाएगी ना, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जीरो होगी। लेकिन एक और बात, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इस केस में तो जीरो पॉसिबल ही नहीं है, सही बात है ना। जीरो तो पॉसिबल ही नहीं इस केस में, जब पैरेलल हो, इनका रिजल्ट जीरो थोड़ी ना रहा, मैक्सिमम होगी। लेकिन जीरो पता है क्यों कहेंगे? क्योंकि हमें नहीं दिखेगी, ये चीज काम की है, हमें नहीं दिखेगी। ये है डेली लाइफ का एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये समझ भी सकते हो या फिर ये चेक भी कर सकते हो कि अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा स्ट्रेट लाइन का, जब वो टच में होगा बिल्कुल, तो उसकी जो जो उसकी प्रोजेक्शन है, मतलब उसकी परछाई बिल्कुल उसके नीचे होगी, लेकिन हमें नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि वहां पर बीच में कोई गैप ही नहीं है, इस वजह से। तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जीरो मत कह देना इन केस में, ठीक है, हमें नहीं दिखी। और इसी वजह से कहा था कि प्रोजेक्शन बनना और हमें हमें दिखेगी या फिर नहीं दिखेगी, जो थर्ड पॉइंट था। अगर प्रोजेक्शन की बात करो, सबसे पहला पॉइंट क्या था? कि वो बनेगी या फिर नहीं बनेगी। सेकंड, कहां पर बनेगी। थर्ड पॉइंट क्या था? कि हमें दिखेगी या फिर नहीं। थर्ड पॉइंट ये भी तो समझना था ना कि हमें दिखेगी वो या फिर नहीं दिखेगी। अब वो सीधी सी बात, अगर टच में तो दिखनी नहीं, काम की चीज है। डायरेक्टली अगर डायरेक्टली कहना चाहते हो, जैसे पहला पॉइंट है कि जो प्रोजेक्शन है वो बनेगी या फिर नहीं बनेगी, सही बात है। और वो डायरेक्ट क्या कहा था? कि वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट पर। अगर कोई लाइट आ रही है, मतलब कोई सोर्स ऑफ लाइट है, या फिर कहो कि रे ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है, तो सीधी सी बात है प्रोजेक्शन बनेगी, सही बात है। अगर नहीं रे ऑफ लाइट उसके ऊपर पड़ी तो प्रोजेक्शन नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। सेकंड, कहां पर बनेगी? तो जहां पर भी रेफरेंस होगा, जैसे यहां पर था, ठीक है ना, जहां पर भी रेफरेंस होगा उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन यहां पर काम की बात पता है क्या? इस पूरे आर्टिकल में, इस पूरे कंसेप्ट में काम की बात है कि बार बार सिर्फ एक रेफरेंस का यूज हो रहा है, बार बार सिर्फ एक रेफरेंस का यूज हो रहा है, ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसके बाद थर्ड पॉइंट कि वो दिखेगी या फिर नहीं दिखेगी। अब सीधी सी बात है, उसके लिए जैसे बनेगी या फिर नहीं दिखेगी वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट पर, इसी तरीके से वो जो प्रोजेक्शन बनी और बनने के बाद ना दिखे, काम की चीज है। प्रोजेक्शन बनी, ठीक है, और उसके बाद ना दिखे, और हम भी देख रहे हैं उसे, ठीक है ना, हम भी देख रहे हैं उसे और फिर भी ना दिखे, तो वो तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब टच में हो, तभी पॉसिबल। अगर डायरेक्ट कहना चाहते हो तो सिर्फ टच में, अगर डेली लाइफ से मतलब इस बात का आंसर देना चाहते हो, तो अगर टच में है तो हमें नहीं दिखेगी वो, लेकिन बनेगी जरूर अगर सोर्स ऑफ लाइट या फिर कहो कि रे ऑफ लाइट उसके ऊपर पड़ रही है तो, ठीक है ना। तो अब जैसे यहां पर टच की बात कर रहे थे कि मतलब इस तरीके से कि जो सरफेस है उसके ऊपर ही, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन का ऑब्जेक्ट रखा हो, जैसे पेन रखा हो, तो फिर प्रोजेक्शन बनेगी लेकिन हमें नहीं दिखेगी, काम की चीज है, ठीक है। और अगर ये देखनी हो क्या करना है? बस कुछ नहीं करना, जो ये है अर्थ का सरफेस, जैसे या फिर सी से डी नाम दे रहे हो, इसको क्या करो थोड़ी ऊपर ले जाओ कुछ इस तरीके से, और इसको पैरेलल रख लेना। क्या करना? इसको पैरेलल रख लेना, मतलब टच की बजाय नॉट इन टच कर दो, सीधी सी बात है। मतलब जितनी ऊपर ले जाना चाहते हो वो चॉइस रहेगी, ठीक है ना, वो चॉइस रहेगी, ठीक है।
तो बस इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पर इतनी ही प्रोजेक्शन बन जाएगी, कब, जब पैरेलल में। और डायरेक्ट हमें आज डेली लाइफ के एग्जांपलों से भी इन बातों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। और साथ के साथ एक जगह हमने एक वर्ड यूज किया था, ब्राइटनेस, सही बात है ना, ब्राइटनेस। अब ये फैक्टर ब्राइटनेस पर भी डिपेंड करते हैं, मतलब प्रोजेक्शन है जो, जैसे यहां पर ये पेन है, ठीक है ना। अब जैसे पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड है, हाइट के ऊपर भी डिपेंड है, ये जो फैक्टर है। जैसे अब जैसे पेन यहां पर रखा, जैसे इसकी प्रोजेक्शन अब दिखेगी इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहां पर टच में है तो हमें नहीं दिख रही, सही बात है। इससे ऊपर ले जाओगे प्रोजेक्शन बनी, सही बात है ना, प्रोजेक्शन बनेगी। वो एंगल पर डिपेंड करता कितना है, मतलब कितनी बनेगी, सही बात है ना। बस इसलिए कहा था कि टच में रख लो, तो प्रोजेक्शन तो बन रही है, ऊपर से लाइट इसके ऊपर गिर रही है, लेकिन हमें नहीं दिख रही, वो एक अलग बात है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लेंथ तो प्रोजेक्शन जीरो कह देंगे, फिर तो होगा गलत, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन जब मैथ्स में बात करते हो, मतलब डेली लाइफ के एग्जाम्पलों की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है ना, कि मतलब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम उतनी होगी कब, जब उसको हवा में, मतलब अब ये ब्राइटनेस की जगह एक बात ब्राइटनेस की थी हमने, ठीक है ना। अब जैसे ये पेन इतनी ऊपर है, ठीक है ना, तो मतलब ब्राइटनेस वो हाइट के ऊपर भी फैक्टर डिपेंड करते हैं, ये मतलब साइंस की बात हुई, ठीक है ना, या फिर फिजिक्स की कह सकते हो, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, डायरेक्ट तो यही है कि अगर लाइट पड़ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो प्रोजेक्शन तो बननी निश्चित है। अब वो हमें दिख रही है या फिर नहीं दिख रही, अब वो दिख भी रही है लेकिन कितनी ब्राइटनेस की, ठीक है ना, मतलब उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कह सकते हो, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा अलग अलग फैक्टरों पर। लेकिन यहां पर मैथ्स में बात करनी है तो मैथमेटिकली और साथ के साथ डेली लाइफ के एग्जाम्पलों से भी बात कर सकते हो, ठीक है ना। और साथ के साथ जैसे यहां पर इस तरीके से, अब मान लो कि इसी को पैरेलल भी, किसी ऑब्जेक्ट को पैरेलल उठाया और मान लो इसको इस तरीके इतनी ऊपर उठा लिया, ठीक है ना, फिर उसकी ब्राइटनेस घट जाएगी, सीधी सी बात है, या फिर इंटेंसिटी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो है मैक्सिमम प्रोजेक्शन, मतलब उतनी हो जाएगी, सिर्फ दो केस हैं, थीटा 0 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना, इतनी होगी। लेकिन एंगल तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इस तरीके समझना कि रेफरेंस मतलब अर्थ पर खड़े हैं और सिर्फ ऊपर देखना, मतलब सिर्फ 180 डिग्री तक की एंगलों की बात करनी है, ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हैं इस बात को, ठीक है ना। ये तो था मैक्सिमम प्रोजेक्शन। मिनिमम प्रोजेक्शन कितनी होगी, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन मिनिमम पहले लिखा हुआ 0 होगी, पहले लिखा होगा 0 होगी, ठीक है ना। और 0 कब होगी, 0 के भी 2 केस हैं, 0 के भी 2 केस हैं। एक तो कि थीटा यहां पर 90 डिग्री हो जाए, पहला केस तो यही था, थीटा 90 डिग्री हो जाए, ठीक है ना। तब जब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन 0 कैसी बनी थी, वहां पर टच और इसमें भी 2 केस बने थे कि वो टच में है या फिर नहीं, मतलब एक सिंगल सिंगल लाइन, सिंगल पॉइंट, हमें पॉइंट दिखेगा कब, जब टच में ना हो, मतलब हवा में हो। अगर टच में हो फिर तो ये पॉइंट भी नहीं दिखना, सीधी सी बात है, कब, जब परपेंडिकुलर का केस हो, ठीक है ना। और मिनिमम प्रोजेक्शन 0 होगी, ठीक है ना, लेंथ मिनिमम 0 पहले ही लिख लो कि लेंथ है, ठीक है ना, लेंथ में मिनिमम कितनी हो सकती है, 0, इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन एक और बात है, जो लेंथ है, लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड या फिर कोई डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब 0 और पॉजिटिव इसी वजह से लिखते हैं। अब वैसे तो डिस्टेंस 0 भी नहीं होता, सही बात है ना, डिस्टेंस 0 तो वैसे भी नहीं हो, उसका मतलब है कि सिंगल पॉइंट का केस हो सकता है। डिस्टेंस 0 होने का मतलब क्या हुआ, सिंगल पॉइंट, जैसे यहां पर आया 90 डिग्री के केस में तो सिंगल पॉइंट ही आएगा, कब, जब नॉट इन टच हो, सही बात है ना। तो इसी वजह से हम डिस्टेंस 0 और पॉजिटिव लिखते हैं, ये नहीं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा और डिस्टेंस 2 पॉइंट तो बीच में निकलता है, मतलब सिंगल पॉइंट का केस ना हो। लेकिन इस सिंगल पॉइंट के केस की भी बात होती है, इस वजह से ये इस तरीके से रिजल्ट लिखते हैं कि डिस्टेंस नेगेटिव ना होने का मतलब क्या है, 0 या फिर पॉजिटिव। सेम बात लेंथ पर, कुछ इस तरीके से, तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन का कुछ इस तरीके से कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। और यहां पर काम की बात है, ये जो मेन है कि सिर्फ एक रेफरेंस की बात हुई, ठीक है ना, तो इसका इसके बारे में पढ़ेंगे हम जब एक रेफरेंस से ज्यादा हो, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।